प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्वच्छ भारत अभियान की बात कही जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर प्रशासन की लापरवाही के कारण पूर्वांचल की सबसे बड़ी गल्ला मंडी मछुद्री पार्क के समीप गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी देव दीपावली के पर्व पर यहां दीपोत्सव भी मनाया गया और शहनाई वादक स्वर्गीय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की तस्वीर जो कि कूड़े के ढेर के बीच है वहां भी नगर निगम प्रशासन ने दीप जलवाया। इस संबंध में स्थानीय लोगों का कहना है कि काशी को क्योटो की तर्ज पर विकसित करने के प्रधानमंत्री के सपने को प्रशासन पलीता लगा रहा है। ये जाम काफी दिनों से है, बार बार शासन प्रशासन अनुरोध करने के बाद भी उनके कान पे जूं रेंगने का काम नहीं कर रहा। कल इतनी बड़ी विश्व विख्यात, भारत नहीं विश्व विख्यात जो देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा का मनाया गया, इसी पे मनाया गया, बिस्मिल्लाह खां साहब का जो बनाया है प्रतिमा, इसकी जो स्थिति बनी हुई है सामने आप देख लीजिए क्या स्थिति बनी हुई है। यह वाराणसी नहीं, यह पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी गल्ला मंडी है। ये गल्ला मंडी में बिहार से लोग आते हैं, पूर्वांचल से, जो पूर्वांचल में 26 जिला है, 26 जिला से लोग यहाँ पर आते हैं, जो यहाँ जाम की स्थिति बनी हुई है और ये कहते हैं मैं जापान बनाऊँगा, क्योटो बनाऊँगा, ये यहाँ का ही हालत बना हुआ है। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, यहाँ के उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूँ, एक जो इनके कान पर जूं रेंगने का काम नहीं कर रहा है, इसको तत्काल प्रभाव से सही कराया जाए और इसको ठीक कराने का काम किया जाए। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र केवल कहने के लिए कार्य यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। जो कार्य आपके सामने मलबा क्या पड़ा हुआ है देखिए, ये काफ़ी दिनों से मलबा पड़ा हुआ है, जाम की समस्या बरोबर रहती है, पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है विशेषरगंज मंडी, जाम की समस्या हमेशा बनी रहती है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।